नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम मैगी बनाएंगे। मैगी खाना किसे पसंद नहीं होता है, बच्चे हों या बड़े, सभी इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। लेकिन आज हम चीजी मैगी बनाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों के साथ शेयर करें। तो आइए इस मैगी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। मैगी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डाल देंगे। 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची को थोड़ा बड़े पीसेस में काट के डालें, मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा फ्रेश मटर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर डाला है, इसलिए मैंने मटर को प्याज के साथ डाला है। अगर आप फ्रोजन मटर डाल रहे हैं तो आप फ्रोजन मटर टमाटर के डालने के बाद डालें। अब हम प्याज को 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पे भून लेंगे, या प्याज को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि हमारी प्याज हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें 1 बड़े आकार का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाएं, यानी कि जल्दी हमारे टमाटर पक जाएं, इसलिए 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा कि जो मैगी मसाला होता है उसमें भी नमक होता है, और हम इसमें चीज डाल रहे हैं, चीज में भी नमक होता है, तो सब्जी के अनुसार ही हम इसमें नमक डालेंगे। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, या हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 3 मिनट हो गए हैं, तो आइए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैं 2 पैकेट मैगी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने पूरा 2.25 कप पानी डाला है। 2 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला है मैंने। और ये जो कप है ये मेजरिंग कप है, और 1 कप में 250 ml पानी आता है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चीज लिया है। मैंने यहाँ पे मोजिला चीज लिया है। आपके पास कोई और चीज हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। चीज को मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काट के डाला है। अब हम इसे ढक देंगे और पानी में 1 उबाल आने के लिए इसे छोड़ देंगे। पानी में उबाल आ गया है। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और जो हमने इसमें चीज डाला था वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैंने चीज को बड़े बड़े स्लाइसेस में काट के डाला है। आप चाहे तो चीज को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें मैगी का जो मसाला होता है वो डाल देंगे। चीज मैगी में हम ज्यादा सब्जी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो चीज का जो टेस्ट है वो कम हो जाएगा। अब हम इसमें मैगी डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए मैगी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैंने इसे बिना तोड़े डाला है। थोड़ी देर बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसे अलग अलग कर देंगे, मिक्स कर देंगे अब हम इसे अच्छे से। तो हल्की फुल्की भूख में आप झटपट इस चीजी मैगी को बना के खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है ये मैगी। और मैगी तो वैसे भी सभी को खाना पसंद होता है। अब हम इसे 1 मिनट ढक के पकाएंगे मीडियम आंच पे। 1 मिनट हो गए हैं, तो आइए अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। अब हम इसे 1 मिनट बिना ढक के पकाएंगे मीडियम आंच पे, क्योंकि गर्म पानी में जो मैगी है उसे बस 2 ही मिनट पकाना होता है। तो इस प्रकार से बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, मैगी हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे बीच बीच में 1-2 बार ऐसे चलाते रहेंगे, नहीं तो मैगी हमारी ओवर कुक हो जाएगी, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें पानी है। तो थोड़ा सा पानी हमें इसमें रखना ही है, क्योंकि ठंडा होने के बाद मैगी सारा पानी सोख लेती है। ये देखिए, मैगी हमारी बनके तैयार है। इसमें जो जितना एक्स्ट्रा जो पानी था ना मैगी का, वो अच्छे से सूख गया है। आप देख सकते हैं इसमें वे अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे सर्व करने के लिए चलते हैं। मैगी की इस रेसिपी को बनाएं, खाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना कीमती समय देने के लिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।